नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, सो दैट बाकी सब लोग भी इसका फायदा उठा सके। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप, आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों की जो आपस में नहीं बनती है ना, या जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, या घर में ही रहने वाले लोगों में आपस में मन मुटाव है, तो आने वाली जन्माष्टमी में हम ऐसा क्या करें? बहुत ही सिंपल सी चीज, हम ऐसा क्या करें कि हमारे रिश्ते अच्छे हो जाए? देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें रेमेडी नहीं करनी, ओके मत करिए, पर बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो अपने आप में ही रेमेडी है। जैसे अगर आप जानवरों की सेवा करते हो, अगर आप पौधे लगाते हो, अगर आप लगातार मंदिर जाते हो, तो इससे भी हमारे ग्रह अच्छे होते हैं, इससे भी हमारे मन में भाव आते हैं, और जब भाव आते हैं ना, तो हम औरों के लिए फील कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें ये सारी चीजें कितने दिन करनी होती है। देखो, ये कितने दिन करना है, जो भी आप कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, कितने का करना है, जो भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, तो जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, जो आपका मन अलाउ करे, है ना, वो अच्छा होता है। आप करेंगे, आपके बच्चे करेंगे, ता उम्र तो अच्छा होता है। क्वांटिटी में करेंगे तो क्वांटिटी में ही मिलेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जो दोगे वो ही मिलेगा, हमेशा ये नियम है और ऐसा ही होता है। आप सामने वाले से जैसा बिहेव करोगे, सामने वाला भी आपको वैसा ही देगा, ये नियम है, ये रूल है, ऐसा होता है। अगर हम किसी घर जाएं, अगर हम खाली हाथ जाएं, तो वो भी जब हमारे घर आएगा ना, खाली हाथ ही आएगा, तो आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, अच्छा चाहते हो, कुछ नहीं चाहते, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये खुद डिसाइड करना है। तो देखिए, हम अब बात करते हैं, अगर आपके घर में आपको लगता है कि बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपकी लड़कियां खुश नहीं है शादी के बाद, या लड़कियों की लाइफ में ग्रोथ नहीं है, या आपके घर में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, तो लगातार आपको हरे मूंग भिगो के एक मुट्ठी पंछियों को डालने चाहिए, इससे आपकी बेटियों से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होगी। ये ताउम्र करना है, माँ बाप करें या बेटी करें फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी कर सकता है। घर में से जाने चाहिए, शादी हो गई तो उसको शादी के बाद अपने घर में करना चाहिए। जब आप पंछियों को साबुत भीगे हुए मूंग डालेंगे या बकरियों को डालेंगे, तो ये घर से बाहर डालने हैं, घर की छत पे या बाउंड्री में नहीं डालने, ये कंडीशन है। एक नंबर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बिजनेस में प्रॉब्लम आती है ना, हमारा बिजनेस इतना चल नहीं पाता। आपको हर साल में दो नवरात्रि आते हैं, अगर आप एक नवरात्रि में दो चांदी की अंगूठियां छोटी बच्चियां जो 5 साल से 8 साल तक की होती है उनको देंगे, साल में एक बार देंगे, तो आप देखोगे कि बिजनेस में आने वाली परेशानियां रुक जाएंगी, बेटियों के बनते हुए काम हो जाएंगे, और आपके घर में क्रोध और प्यार बना रहेगा। एक तरीके, अब जन्माष्टमी आ गया, बहुत सारे बच्चों की शादियां नहीं हो, तो अगर आप में अगर आपका इतना सामर्थ्य है, तो चांदी का जो छत्तर आता है ना, जो हम माता पे चढ़ाते हैं, दुर्गा माता पे चढ़ाते हैं, अगर आप वो अगर आप कृष्णा के जो मंदिर में मूर्ति है उनके ऊपर लगाएंगे, और अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, तो सफेद मोती का झालर आता है कम से कम 40-50 लड़ियों का, अगर वो आप उन्हें मंदिर के उनके जहाँ पे कृष्ण और कृष्ण के साथ राधा कृष्ण की जहाँ मूर्ति है उनकी, अगर आप उनकी मूर्ति के ऊपर अगर आप वो झालर लगाएंगे, और उन्हें खुशबू से, ये झालर रियल फ्लावर की होनी चाहिए, आर्टिफिशियल की नहीं, ये जो लगाएंगे, तो बच्चों की शादियों में अच्छे टाइम आएगा, ठीक है, और बच्चों की शादियों के संबंध बनेंगे। नंबर एक, अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिर सजाएंगे, तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों से आपकी नहीं बनती, या बाप बेटे की नहीं बनती, तो उसमें रिलेशन अच्छे होंगे। नंबर तीन, अगर आपको लगता है कि आपका बेटा और आपके बाप का बेटा और फादर में कुछ हार्ड लैंग्वेज यूज होती है, तो जो जन्माष्टमी हम झूला झुलाते हैं, वो झूला अगर आप मंदिर में देंगे, तो रिलेशन अच्छा होगा। ये हर साल करना पड़ेगा आपको, हर साल जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई बैड वर्ड बोलता है, या घर वालों की आपस में नहीं बनती, तो सफेद ज्वार उसे भिगोइए, उसे लगातार डेली पंछियों को डालेंगे, तो घर में रिश्ते अच्छे होते हैं, और
जो आप मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी चढ़ाते हैं, उस बूंदी को भी अगर आप पंछियों को डालेंगे डेली लगातार, तो भाइयों के और घरों में रिश्ते अच्छे होते हैं। तो ये था जन्माष्टमी का सबसे बड़ा रिचुअल जो हर किसी को करना चाहिए। इसके साथ ही जैसे मैंने अभी एक झालर का उपाय बताया, जिनकी शादियां नहीं हो रही वो अगर सफेद या पीले चंदन से लड्डू गोपाल को या कृष्णा को नहलाएंगे, उनको अच्छे से उनको रब करेंगे उनकी बॉडी पे, उनको मसाज करेंगे और फिर उन्हें जल से नहलाएंगे, तो ये भी एक तरीका है उनको प्रसन्न करने का, क्योंकि चंदन उनको प्रसन्न होता है। तीसरी चीज, तो ये थे छोटे छोटे कुछ टिप्स जो मैं चाहती थी अपने सभी श्रोताओं के साथ बांटना, है ना। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके घर में बच्चे नहीं हो रहे या बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप केले जन्माष्टमी के दिन मंदिर में देंगे, और मंदिर में जाके जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको देंगे एज अ प्रसाद। तो ये भी बहुत अच्छा एक रिचुअल है जो जन्माष्टमी के त्योहार का आप फायदा उठा सकते हैं। ये मंडे को है, 26 अगस्त 2024, ये बनते हुए कामों को बढ़ाते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश मेरे सभी देखने वाले दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज।